sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. लेकिन मेरे प्यारो, कसम अल्लाह की, अगर कुरान को कोई मोहब्बत से देखे ना, जो हमारे घर में आया है उसके पीछे न जाने कितनी कुर्बानियाँ छुपी हुई होंगी, कितने सहाबा के लहू के कतरे छुपे होंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंसू के कतरे छुपे होंगे, हमारे नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा के आंसू के कतरे छुपे होंगे. मेरे प्यारो, एक औरत, औरत बोलो कौन, एक औरत नाम है, बाज़ों ने नाम बताया ज़ुनैरा और बाज़ों ने नाम बताया ज़िन्नीरा. औरत एक ही है लेकिन नाम का तलफ़्फ़ुज़, जैसा अभी मैंने आपको सूरह फातिहा पढ़ के सुनाई ना, है सूरह फातिहा लेकिन उसका तलफ़्फ़ुज़, उसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता. तो एक सहाबिया है, बोलो नाम, या तो हज़रत ज़ुनैरा या नाम क्या है, हज़रत ज़िन्नीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. कलमा पढ़ रही है, गरीब औरत है, गरीब औरत है, अच्छी खासी उम्र वाली औरत है, कलमा पढ़ रही है. और है कौन, अबू जहल के घर काम करने वाली. बोलो अबू जहल के घर. अबू जहल को पता चला, मेरे घर के काम करने वाली औरत जो मेरी रोटियों पर पलती है, मेरे आज तक मेरे सारे बातों पे अमल करती है, वो ज़ुनैरा कहो या ज़िन्नीरा कहो, इसने कलमा कैसे पढ़ लिया, कलमा कैसे पढ़ लिया. आकर आया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, समझाते समझाते अबू जहल ने कहा, होश में आ ए ज़िन्नीरा या ज़ुनैरा, होश में आ. ज़ुनैरा ने कहा, अभी तो होश में आई हो, मुझे वापस बेहोशी में क्यों ले जाते हो, अभी तो होश में आई हो, मुझे यकीन हो गया है कि हम सब का पैदा करने वाला कौन है. यानी साथ में बोलो ना, हम सब का पैदा करने वाला कौन है. जब अल्लाह हम सब का पैदा करने वाला है तो इबादत भी किसकी होनी चाहिए. मेरे साथ में पढ़ो ना, या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून. अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, लोगो जब तुम सबका पैदा करने वाला कौन है, बोलो अल्लाह. हमसे अगलों का पैदा करने वाला कौन, अल्लाह. जब सारी कायनात और 18,000 मखलूकात का पैदा करने वाला अल्लाह होगा तो इबादत भी किसकी होगी. तो ज़ुनैरा कहती है अबू जहल से कि आप कहते हो कि मैं होश में आऊं, मैं अभी होश में आई हूँ, मुझे वापस बेहोशी में क्यों ले जाते हो. अबू जहल ने इतना मारा, इतना मारा, अकेला नहीं मारा, अपने दोस्तों को बुलाया, अहबाब को बुलाया, सब ने मिलकर मारा. मालूम नहीं वो अबू जहल के हाथ में क्या था, कोई लोहा जैसा कोई मामला था, वो लोहा लेके इतना ज़ोर से सर पे मारा कि सर तो फटा यानी खून बहा, मगर ज़ुनैरा दोनों आँखों से महरूम हो गई, यानी नाबीना हो गई. वो सर पर जब मार लगती है तो नसें फटती है, तो आँखों की नसें भी ब्लॉक हो जाती है. तो ज़ुनैरा कहती, मुझे कुछ नज़र नहीं आता, मैं अंधी हो गई. तो अबू जहल ने ज़ोर से कहका लगाया, ज़ोर से हंसा, उसके दोस्त भी बहुत ज़ोर से हंसे, हाँ हाँ हाँ, हमारे खिलाफ जाए तो आँखें चली जाती है, हमारे ऑपोजिट में जाए तो आँखें चली जाती है, हमारी बात ना माने तो आंखें चली जाती. देखो अच्छा खासा इतने लंबे ज़माने तक तुम देखा करती थी, देखा करती थी, आज हमारी बात को नहीं माना, हमने बहुत समझाया मगर ना समझी, अब क्या हो गई, अंधी हो गई. और यूँ कहकर एक कमरे में बंद कर दिया. ए मेरे प्यारो, मेरे प्यारो, सुनने वाला कौन, हज़रत ज़ुनैरा ने रात के सन्नाटे में कहा, अल्लाह में अंधी हो गई, अल्लाह में अंधी हो गई. और ये लोग कहते हैं कि मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मैं अंधी हो गई, यानी तेरी बात मानी तो अंधी हो गई, इनकी बात नहीं मानी तो अंधी हो गई. ए अल्लाह, एक बच्चा पेट में होता है, सुनना, एक बच्चा पेट में होता है, जब माँ प्रेग्नेंट होती है, एक बच्चा पेट में होता है, अल्लाह उसे आँखें कौन देता है, अल्लाह तू देता है. हज़रत ज़ुनैरा की दुआ, अल्लाह एक बच्चा पेट में होता है ना, हाँ, उसे नए सिरे से आंखें देना है, वो देने वाला तू होता है. अल्लाह उसे कान देने वाला तू होता है, अल्लाह उसे नाक और ज़बान देने वाला तू होता है, अल्लाह उसे हाथ और पांव देने वाला तू होता है. यानी अल्लाह वो तो बिल्कुल नया मैन्युफैक्चर करना है, अल्लाह तू सब माँ के पेट में करता है. अल्लाह मैं तो माँ के पेट से निकल आई, मेरी आधी ज़िंदगी गुजर गई, मेरे पास तो आँख थी बस वो चली गई, उसी को वापस लाना है. तो ए अल्लाह, जो माँ के पेट में बच्चे को आँख दे
वो मुझे मेरी आंख वापस क्यों नहीं लौटा सकता। और जो आयत पढ़ी है हज़रत ज़ुनैरा ने, जो आज भी सूरे आले इमरान में उसकी तर्जुमानी है, जिनको याद होगा मेरे साथ में पढ़ेंगे, कौन सी आयत? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैं ही अल्लाह हूँ जो माँ के पेट में एक बच्चे को सूरत भी देता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में बच्चे को कलर भी देता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। माँ के पेट में उसे आंखें, कान, नाक, हाथ, पांव सब देता हूँ। हजरत ज़ुनैरा ने फरमाया, अल्लाह तू कलाम पाक में कहता है माँ के पेट में रहने वाला बच्चा जो किसी को नजर नहीं आता, किसी को पता नहीं होता कि लड़का होगा या लड़की होगी, किसी को पता नहीं होता जिंदा आएगा कि मुर्दा आएगा, किसी को पता नहीं होता शकी होकर आएगा कि शहीद होकर आएगा, लेकिन वहां भी तू उसे आंखें देता है। हजरत ज़ुनैरा ने फरमाया, आज तो मैं तेरी मोहब्बत में कलमा पढ़ने वाली, ये लोग मुझे ताना देने वाले, बस हाथ उठाए, हाथ रखे ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उससे पहले दोनों आंखें रोशन हो गई, बोलो सुना। और रोशन हो गई आंखें, दरवाजा खोला, बाहर आई, कहा मक्का भालो तुमने आंख ली थी, मेरे पैदा करने वाले ने मुझे आंख दी है। इनकी आंखों को देखकर न जाने कितने लोगों ने ईमान कबूल कर लिया, यानी इनकी ये आंखें खुली, अल्लाह ने कितने मक्का वालों की दिल की आंखों को खोल दिया। मेरे प्यारों, एक बात तय है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाला कौन? तो फिर हमारा दुकान काय को नहीं चलती भाई, हमारा कर्जा क्यों नहीं अदा होता? कब तक हम लोगों की मजदूरी करते रहेंगे? कब तक मिलों पे काम करते रहेंगे? कब तक पापड़ बेलते रहेंगे? अरे ज़रा सुबह 8 बजे जाने का, उसमें 8:30 बजे हो गए तो माँ बहन की गाली सुनने का और आधे घंटे की पगार कटवा देने का, कब तक ये होता रहेगा? मेरे प्यार, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? क्यों रहा? जो अल्लाह ये सब कर सकता नामुमकिन को मुमकिन, क्या वो हमारी रोज़ी में बरकत नहीं दे सकता? क्या वो छप्पर फाड़ के रोज़ी नहीं दे सकता? क्या वो हमारे कर्जे को नहीं उतार सकता? क्या वो हमारी बीवी को फरमा बरदार नहीं बना सकता? क्या वो हमारे बच्चों को फरमा बरदार नहीं बना सकता? क्या वो हमारी दुकान को नहीं चला सकता? अरे वो अल्लाह अल्लाह कहता है मेरा बंदा, मैं सब कुछ कर सकता, एक बार तू मेरा तो बन जा, दुनिया भी तेरे कदमों में लाऊँगा, आखिरत भी तेरे कदमों में लाऊँगा। ये भी कुरान में लिखा है। अरे बोलो ना, कहाँ लिखा है? कुरान में पारा नंबर 14, बोलो पारा नंबर क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया, मेरे साथ में पढ़ोगे, अल्लाह ने फरमाया, मन अमिला सालिहम मिन ذكرنا انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون। अल्लाह फरमाते कलमा पढ़ने वाला मर्द होगा या कलमा पढ़ने वाली औरत होगी, अच्छे आमाल करने वाले बन जाए, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ईमान मजबूत कर ले, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरमाते फलनुहयियन्नहू, आ मेरा कलमा पढ़ने वाला बंदा, मेरी कलमा पढ़ने वाली बंदी, एक बार कलमा तय्यबा मजबूत कर ले, अच्छे आमाल कर ले, सारी दुनिया तेरे कदमों में होगी, आखिरत भी तेरे कदमों में होगी, बोलो सुभान अल्लाह। एक दुकान का मामला नहीं, अल्लाह हज़ारों दुकानें हमारी चलाएगा, हमारा हज़ारों मर्तबा अल्लाह कर्ज अदा करेगा, लेकिन एक बार उसके बने तो सही। मेरे प्यारों, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अब तो रजब महीना आ गया, अब तो तौबा करो ना अल्लाह के सामने, बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह।